नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। मायसेल्फ जेवीएन डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योपैथी और स्कोप ऑफ होम्योपैथी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पोर्टफोलियो। सो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं बीएचएमएस का कोर्स करने के बाद में। बीएचएमएस का मतलब हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये इसका फुल फॉर्म है। करीब करीब 4.5+1 ईयर, यानी 5.5 साल का ये कोर्स है कम्प्लीट। एंड आई एम माई सेल्फ इज MD होम्योपैथ एंड आई एम नाउ 10 ईयर्स, आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ होम्योपैथी एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस और माई एक्सपर्टीज इन दिस केस एंड आई वॉन्ट टू गाइड यू फॉर द वॉट आर द पॉसिबिलिटीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली फॉर होम्योपैथ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द होम्योपैथ्स must be proud that homeopathy is the second largest pathy in the which is followed in the world. तो सबसे ज़्यादा जो है वो एलोपैथी के पेशेंट्स और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आयुर्वेद भी नहीं है या यूनानी या और कोई पैथी नहीं, बट होम्योपैथी का नंबर जो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोपैथी के बाद में नेक्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं होम्योपैथी को। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर होम्योपैथी दैट वी हैव सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स, जिसकी वजह से हमारे पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इससे पहले, मतलब बिफोर प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी उनके अंदर कोई इसका सेपरेट एक इसके अंदर जो है वो कोई मिनिस्ट्री नहीं थी इसकी। तो उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट जो आई है अभी, तो उसके इन्होंने एक नया मंत्रालय बना दिया है जिसका नाम है आयुष मिनिस्ट्री। तो जो होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, जो अल्टरनेटिव पैथीज बेसिकली हम जिसको कहते हैं, ये सारी पैथीज अब आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लिए अब स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी पहले जो हम सुनते थे कि बहुत कम वैकेंसीज जो है होम्योपैथ्स के लिए निकला करती थी, अब ये वैकेंसी निकलने का रेट जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आयुष मिनिस्ट्री आने के बाद में स्कोप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में होम्योपैथ्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हम ये ऐसा कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कौन कौन से कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं जो हम दे सकते हैं या कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के सेक्टर में। तो सबसे पहले जो है कि हम आयुष मेडिकल ऑफिसर, एज अ आयुष मेडिकल ऑफिसर हम काम कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे होम्योपैथ के लिए वैकेंसीज होती है। ये वैकेंसी अलग अलग समय पे नोटिफाई की जाती है और उसके अकॉर्डिंग या तो डायरेक्ट उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट मिलता है या फिर कभी कभी एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए रखी जाती है, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट अलग डिपार्टमेंट, जैसे सब सेंटर्स जो है सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उसके नीचे फिर सब सेंटर्स होते हैं, तो PSCs जिसको हम कहते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्व सेंटर्स।
तो पीएससी के अंदर भी वैकेंसीज होती हैं काफ़ी सारी, जिसके अंडर भी आप एनआरएचएम के थ्रू, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। इसका रिक्रूटमेंट भी जो है वो अलग स्टेट वाइज होता है, तो अलग अलग स्टेट जो हैं वो अलग अलग समय पर अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। जैसे राजस्थान में भी एनआरएचएम के थ्रू अभी लेटेस्ट 2018 में वैकेंसीज निकली थी, उसके पहले 2016 में काफ़ी सारी 400 450 वैकेंसीज, आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन काफ़ी सारी वैकेंसीज उस समय निकली थी। तो एनआरएचएम के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं, स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। देन बहुत सारे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं तो इनमें से नियर अबाउट देर आर 25 to 30 जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस आपको यूपी, एमपी और वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको एज अ मेडिकल ऑफिसर आप उसके अंदर काम कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएचएमएस। और अगर बीएचएमएस करने के बाद अगर आप एमडी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद में आप इन सारे कॉलेजेस के अंदर एज अ टीचर या रिसर्चर भी आप उसके अंदर लग सकते हो। उसके बाद में यू कैन ऑल्सो वर्क एज हेल्थ एडवाइजर। देखिए, ये आयुष मिनिस्ट्री जब बनी है तो उसके बाद में नई नई हेल्थ स्कीम्स आती जा रही हैं। अभी रिसेंटली 2 3 साल पहले 2 3 साल पहले आयुष्मान भारत ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। आई थिंक 2 साल पहले ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। तो आयुष्मान भारत के अंडर जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज आयुष डॉक्टर्स के लिए जनरेट हुई हैं। तो आई थिंक नियर अबाउट 10,000 से 12,000 आयुष डॉक्टर्स की वैकेंसीज निकलने वाली है बहुत ही जल्द। और इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपके पास में बीएचएमएस के बाद में मास्टर्स में अगर आपने कोर्स किया है, जिसको कहते हैं हम एमपीएच, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, तो एमपीएच का कोर्स अगर आप करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलता है इस जॉब के लिए या इस पोस्ट के लिए। एमपीएच करने पे बीएचएमएस डॉक्टर्स भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोई भी डॉक्टर जो है जिसने 5.5 साल का डिग्री कोर्स किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए एक काफ़ी अच्छी सैलरी यानी 50,000 सैलरी नियर अबाउट उसको फ्रॉम स्टार्टिंग मिलती है। सो दिस इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट फॉर द बिगिनर। तो एमपीएच का कोर्स करने के बाद में आप इन वैकेंसीज के लिए क्या कहते हैं ज़्यादा एलिजिबल हो जाओगे। बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज आफ्टर बीएचएमएस। ये वैकेंसीज अभी आई नहीं है बट बहुत जल्दी ये वैकेंसीज अवेलेबल होने वाली हैं। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है यूपीएससी, गवर्नमेंट सेक्टर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बीएचएमएस करने के बाद या एमडी करने के बाद आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो यूपीएससी अगर एमडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप बीएचएमएस के बेसिस पे भी यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो। तो यूपीएससी के अंदर आपको बेसिकली क्या करना, अभी रिसेंटली इसकी वैकेंसी निकली हुई है 2020 में, और 14 अगस्त इसकी जो है वो लास्ट डेट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो इसके अंदर क्या करना होता है, बेसिकली यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है हमारा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में देन यू बिकम, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर
द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन सीजीएचएस। तो सीजीएचएस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सीजीएचएस जनरली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सीजीएचएस काम करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं या डिफेंस वाले जो लोग हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल्स होते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो ही इनके अंदर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छा ही स्कोप है। यू कैन ऑल्सो वर्क एज रिसर्चर। तो यूपीएससी करने के बाद में आप एज अ मेडिकल ऑफिसर इन सीजीएचएस, और यू कैन वर्क एज रिसर्चर इन आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री में आप एज अ रिसर्चर का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट अभी निकली थी जिसमें कि हेल्थ एडवाइजर। ओके, तो ये पोस्ट निकली थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में एज अ मेडिकल ऑफिसर, और जिसके अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हो देन यू कैन वर्क एज हेल्थ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम एज अ हेल्थ एडवाइजर, बीएचएमएस करने के बाद में हम हेल्थ एडवाइजर उसके अंदर लग सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसके लिए 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा है। तो बट हाँ, बीएचएमएस करने के बाद में ये स्कोप भी है कि आप जो इवन प्रेसिडेंट के लिए भी हेल्थ एडवाइजर आप बन सकते हो। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की बात करूँ मैं दोबारा, तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ONGC है या HPCL है या फिर रेलवेज है ना, इंडियन रेलवेज। तो इन सब के अंदर भी आप जो है मेडिकल ऑफिसर, एज अ मेडिकल ऑफिसर इनकी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो इनके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इसका काफ़ी स्कोप धीरे धीरे होम्योपैथी का बढ़ते जा रहा है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट है ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड साइंसेस, तो उसके अंदर भी कई बार टीचर के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए, रिसर्चर के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए उसके अंदर वैकेंसीज जो है वो आती रहती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इसका स्कोप जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो भी मुझे इतने टाइम में मुझे पता थी तो मैंने आपको बता दी है। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट आफ्टर एक ब्रेक थ्रू इसमें ये हुआ है कि आयुष मिनिस्ट्री जब से बनाए उसके बाद में एक बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया है, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो होम्योपैथ्स को अब अवेलेबल होने लगे हैं, और आगे वाला फ्यूचर जो है उसमें भी काफ़ी सारे जॉब्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जनरेट होने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल आवर होम्योपैथ दैट आवर करियर इज़ वेरी ब्राइट इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। प्राइवेट सेक्टर में या खुद का क्लिनिक तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जिसके बाद में हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम खुद एक सर्टिफिकेट लेने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में, और उसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हमारा वो अगर हमको मिल रहा है, तो उसके बाद हम हमारा खुद का क्लिनिक सेटअप करके बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट जॉब करना ही चाहते हैं तो उसमें भी अब जैसे मैंने बताया कि अब धीरे धीरे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज प्रेजेंटेशन। एंड जो ये आज का सेशन था ये स्पॉन्सर किया था या पावर्ड था बाय डिजिटल वर्जन 2.0, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। एंड आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।